आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं उदय चौहान। सीतापुर में पंचायत चुनाव आखिरी चरण यानी 29 अप्रैल को होंगे। जिला पंचायत के 79 पदों के लिए हुए नामांकन पत्रों की सदर तहसील में एआरओ द्वारा सोमवार और मंगलवार को जांच होनी थी, लेकिन देर रात तक यह प्रक्रिया अपनाई जाती रही। क्या प्रत्याशी और क्या मीडिया कर्मी, किसी को भी निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों द्वारा कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। एआरओ पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रविशंकर गिरी से जब जानकारी चाही गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें मीडिया को कुछ बताने का ऊपर से कोई आदेश नहीं है। अन्य अधिकारियों से जानकारी चाही गई तो सभी यह बताते रहे कि CDO अक्षत वर्मा बैठक कर रहे हैं, उसके बाद ही जानकारी निकल कर आएगी और जो जानकारी होगी वह बाहर बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी। इधर विपक्षी दल के प्रत्याशियों में गड़बड़ी होने की आशंका बढ़ती जा रही है। इसी बीच एक प्रत्याशी ने यह भी आरोप लगा दिया कि उसका तो नामांकन पत्र ही गायब कर दिया गया है। इस प्रत्याशी ने वार्ड नंबर 30 से चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया था। विपक्षी दल के प्रत्याशी आशंकाएं जताएं भी न तो क्या करें, क्योंकि सत्ता पक्ष इस बार पंचायत चुनाव में फतह करने के लिए हर हर कंडे अपनाने में लगा हुआ है। बहरहाल पंचायत आरक्षण प्रक्रिया में अब तक निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों पर कोई दाग नहीं लगा था। क्या नामांकन से लेकर मतदान और मतगणना तक ऐसा हो पाएगा, यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि निर्वाचन प्रक्रिया का आगाज अच्छा नहीं कहा जाएगा। जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों की जांच प्रक्रिया में जिस तरह से बीरबल की खिचड़ी बनाई गई उससे फिलहाल अंजाम अच्छा होना नहीं माना जा रहा है। आई इंडिया को मिल रही अब तक की जानकारी में 6 पर्चे खारिज किए जा चुके हैं। इनमें वार्ड 42 से नाहिद फातिमा, वार्ड 45 से रजनी देवी, वार्ड 79 से राम कुमार, वार्ड 40 से ममता मौर्य, वार्ड 34 से विष्णुपाल दीक्षित और वार्ड 28 से निर्दोष कुमार शामिल हैं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।